मैंने दिसंबर 21 को साई बाबा से मिले थे मुलाकात में, बट मुलाकात भी ऐसा है, हमें साई कैसे है वो पूरा देख भी नहीं सकते हैं। इधर एक फाइबर ग्लास है, फिर आयरन ग्रिल एंड एक फाइबर ग्लास, ये फाइबर ग्लास पूरा धुंधले जैसे शैडो जैसे है, स्क्रैचेस आ गए उसमें से, नज़र साफ नहीं है, वो वैसा शैडो जैसे व्हीलचेयर में आके उधर बैठा ऐसा, इतना ही इतनी डिस्टेंस में है वो पता चल रही है ऐसा ही। वहाँ एक फ़ोन रखते हैं, इधर एक फ़ोन, उसमें बात करना है हमको। हार्डली हम इतना सफ़र करके जाएंगे तो हार्डली हमको 15 मिनट या और प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट करने के बाद और 5 मिनट, टोटल 20 मिनट टाइम मिलता है। उसमें हमें हमारा बात साई का भी क्या बताना है वो कन्वे नहीं कर पाते, हम भी क्या इनको बताना है वो कन्वे नहीं कर पाते, खाली कुछ लीगल मैटर बात कर बात हो जाती है। और इतने अब अगर हम कोई सामान, बुक्स या स्वेटर ब्लैंकेट कुछ मैगजीन्स देना चाहते तो वो इसी टाइम में ही साई को हमें क्या क्या लेके आया था वो एक्सप्लेन बताना पड़ेगा, वो साई ने वो लिस्ट आउट करके वो लिस्ट अंदर दे देगा, तब वो जेल सुपरिटेंडेंट के पास जाएगा, जेल सुपरिटेंडेंट ने उसमें जो अपना मर्जी कौन सा देना है नहीं है ये टिक करेगा, तब जेल गेट के पास आएगा, जेल गेट के पास हम वेट करते रहेगा ये चिट्ठी कब आ जाएगा, ऐसा मुलाकात के बाद हम ये सामान सारे लेके वहाँ वेट करते रहते हैं। वो एक घंटे या 2 घंटे के बाद वो स्लिप बाहर पहुँचेगा, हम जो सामान देते हैं वो गेट में ले लेते हैं, बट वहाँ लेने के बाद साई को कब मिलेगा ये पता ही नहीं, क्योंकि जब नवंबर में इतनी ठंड शुरू हो गई, साई आप सब जानते हैं साई बाबा पैरलाइज्ड है, दो लेग्स एंड लेफ्ट हैंड भी पहले इनकार्सरेशन के वजह से मजल्स एंड नर्व्स डैमेज हो गए, वो बाहर वैसा पूरा घर पे ही इतना अच्छा सुविधा में रहते हुए भी इनका ठंड में हाथ एंड पैर मुड़ जाते हैं, वो नर्वस स्पैम्स है इसका, वो मुश्किल है वैसा ठंड बेर करने में, इतनी दिक्कत हो जाती है, हीटर रूम हीटर लगाने के बाद भी इनकी इतनी पेन, बैक पेन एंड अभी ये लेफ्ट हैंड शोल्डर पेन और ये लेग्स पूरा बर्फ़ जैसे हो जाता है। इसी कंडीशन में हमारा एडवोकेट इनको पहले ही ब्लैंकेट दिया, तो 1.5 महीने के बाद ब्लैंकेट साई को मिल गए, तब तक वो ठंड में एक्चुअली अंडा सेल कैसे है ना पूरा कवर्ड है बट बीच में ओपन है, ये ऐसा एग में जो येलो का योक जैसे वैसा वो ओपन रहता है, बहुत बड़ा बड़ा ऊंचा वाल है, उसमें पूरा धूप भी चले जाती है वो बीच में से, और बारिश आ रही तो बारिश भी पूरा सेल में, बारिश के कारण से सेल पूरा भीग जाते हैं, और ठंड भी इतनी है वो जो ऐसा कंडीशंस में एक ये इनकी अभी एक ही हाथ काम कर रहे हैं ऐसा ऑलमोस्ट ये पेशेंट है। जब ये इनका कन्विक्शन दिया गया मार्च 7 में, उसके पहले फ़रवरी 28 को राकलैंड हॉस्पिटल से पैंक्रियाटिटिस पेन के कारण से वो 10 डेज एडमिट हुए, इलाज लेके आ गई, तब ये डॉक्टर्स ने बोला गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, विद इन 10 डेज सर्जरी होना चाहिए, अभी फ़िलहाल बेड रेस्ट एंड सॉफ्ट फूड लेने का बताया था। फिर ये फाइनल जजमेंट है, हमें तो
कोर्ट में ये भी बताया था ये पेशेंट है अभी डिस्चार्ज हो गए, नहीं एक दो घंटे के लिए आके जाइए, ऐसा जज ने हमारे लायर्स के साथ खबर दिया था। ये वहाँ जाने के बाद कैसे एक एविडेंस नहीं है, नो क्राइम नो एविडेंस एक लाइफ का सजा दे दिया। ये पूरा ये सजा ओनली साई के लिए नहीं, साई के साथ और पांच लोगों को किया, ये साई एंड साई का को एक्यूज्ड के लिए ही ये सजा नहीं है। हम जो हम एक विचारधारा से हम ये डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रह रहे, हम हमारा सबका डेमोक्रेटिक राइट्स वायलेशन के लिए ही ये सजा दे दिया। ये आगे सजा इन पांच लोग के रोके नहीं, आगे हमारा दरवाज़ा भी बड़ी जल्दी कट करने के लिए तैयार में है। ये खतरनाक जजमेंट है, इसमें एक विटनेस भी नहीं है, एक एविडेंस भी नहीं, बट जो सेशंस कोर्ट में हुआ उसके और जजमेंट की कोई रिलेशन ही नहीं है। सेशंस कोर्ट में ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का ऊपर तो पेश ही नहीं किया गया है, वो जब भी पेश किया तो साबित किया तभी तो आपने लाइफ सेंटेंस या कोई भी कन्विक्शन जजमेंट ऐसा होना चाहिए, बट सेशंस कोर्ट में इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ऊपर कोई पेश ही नहीं किया, बट अचानक ये एम्बेडेड जजमेंट्स आते हैं और 90% डिजेबल्ड एक दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोफेसर इसको कन्विक्शन देते हैं। ये कन्विक्शन देते ही ये बताना चाहते हैं स्टेट जो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए और जो समाज में जो ऑपरेशन है इसके खिलाफ जो बात कर रही इनका वॉइस को दबाने के लिए ही ये कन्विक्शन दिया गया है। ये कोर्ट को भी एक टूल जैसे यूज़ करके सप्रेस करने के लिए राइट्स वॉइसेस डिसेंट वॉइसेस को सप्रेस करने के लिए ये यूज़ कर रहे हैं। वैसा लास्ट टाइम मैंने नवंबर में मैं गई थी, स्वेटर लेके गए थे, ये वाइट स्वेटर होना चाहिए बोला था। क्यों वाइट स्वेटर है, क्यों स्वेटर तो स्वेटर है ठंड से बचाने के लिए, बट वो अलाउ नहीं किया। फिर दिसंबर में मैंने वाइट स्वेटर एंड वाइट जैकेट लेके गया था, वाइट स्वेटर ले लिया, वाइट जैकेट रिजेक्ट किया। अभी कुछ किताब भी मैगजीन्स भी मैंने दिया था, उसमें मैगजीन्स में EPW तहलका दस्तक मना कर रहे, ये नहीं ले रहे। और कुछ हम बुक्स देते हैं, मैरी टेलर का दी ईयर्स इन इंडियन प्रिजन, ए ईयर्स इन इंडियन प्रिजन, ये फोटो कॉपी मैंने दिया था, वो भी अपने पास ही रखा, ऐसा रिसेंटली लेटर मिला मेरे को, वो नहीं देंगे ऐसा जेल लोग बता रहे। पर ये एक्चुअली EPW तो एक एकेडमिक एंड रिसर्च जर्नल है, उसमें क्या है मतलब ये सारे अपना मर्जी ये कर रहे, बट वो गेट से हमसे लेते हैं, इसके बाद कुछ पहुंचते हैं, हम जो लेटर्स लिखते हैं उसमें भी लेटर्स में कुछ पन्ने मिस हो जाते हैं, वो जो बड़ी क्योंकि हम जब मुलाकात में मिलते हैं बहुत कम समय है, ये सारे बात करने का मौका ही नहीं मिलता है, बट लेटर्स लिखने के बाद 3-4 महीने के बाद ये पता चल रही है। मेरा ब्रदर इन लॉ भी कुछ किताब सितंबर में दिया था, वो भी अभी तक साई को पहुंचा नहीं है, और मेरी बेटी जो अपना पढ़ाई का असाइनमेंट्स लिखा वो इनका फादर देखेंगे ऐसे असाइनमेंट्स को भेजा था, वो भी अभी तक दिया नहीं। और बहुत सारे लेटर्स में भी शुरुआत में मेरा बेटी का मेरा
लेटर्स साई को नहीं दिया, क्या है वो इंग्लिश लिखा ये समझ में नहीं आया होगा, ये कुछ कोड में कुछ बता रही है ऐसा है, बट एक्चुअली बेटी इंग्लिश एमबीए फर्स्ट ईयर कर रही, वो तो इनका इंग्लिश थोड़ा अलग है, मेरा मैं तो टूटी फूटी इंग्लिश में कुछ लिखती हूँ, क्योंकि मुसीबत है हम तो हमारे मदर टंग में लिख नहीं सकते हैं, अलाउ नहीं है, ना हिंदी में लिख पाऊँगी, इसलिए इंग्लिश में ऐसा टूटा फूटा लिखती हूँ, मेरा लेटर्स दे रही, कभी कभी मेरा लेटर्स में भी या यहाँ कोई मीटिंग हो रही है ऐसा रिपोर्टिंग में लिखे तो उसका पन्ना गायब हो जाता है, वैसा इतनी पूरा इनका अंडा सेल में रख के जो वहाँ तो कोई खबर नहीं पहुँचते हैं, कम से कम हमारा लेटर्स को भी सेंसार करके वो दे रहे, मतलब प्रिजनर्स राइट्स को भी वायलेशन कर रहे हैं, पहले तो ये डेमोक्रेटिक राइट्स को वायलेट करते हुए ऐसा कन्विक्शन दिया, आफ्टर दैट आल्सो प्रिजनर्स राइट्स को भी वायलेट कर रहे, ये विक्टिम ऑफ एवरीथिंग हो गए, साई का ऊपर जो इतने स्टेट दबाव डाल रहे, आपको पता होगा साई ऑलरेडी 19 सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र हो रहे हैं, इनका अंदर इंटरनल ऑर्गन्स पूरा डैमेज हो गए, क्योंकि जब पैंक्रियाटाइटिस प्रॉब्लम से डिस्चार्ज होने के बाद 10 डेज़ के लिए डॉक्टर्स मेडिसिन दिया था, अभी 10 मंथ्स हो गई, अब वही मेडिसिन ले रही, वो कितना तक दिन ले सकते हैं, कितना कतरा है वो भी प्रॉब्लम है, और ये हाइपरटेंशन है, कार्डियक पेशेंट है, बीच में मेडिसिन भी नहीं दिया, कई दिन 15 दिन 10 दिन बिना मेडिसिन से रहने से इनका हाइपरटेंशन बढ़ जाते हैं, और खान से नाक से ब्लड भी निकल गए, और बहुत सारे 2 डेज की कम से कम 3-4 बार ऐसा अनकॉन्शियस में पड़े रहते थे, ऐसा सिचुएशन हर महीने चलते रह रहे हैं, हमारा लायर्स रेगुलरली हर हफ्ते इनका मेडिसिन लाइफ सेविंग मेडिसिन तो दे रही, बट वहाँ जेल में लेने के बाद इनका इन तक साई तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रही, नहीं दे रही, जान पूछ के ये कर रही, क्योंकि वो जेल में ही इनको ख़त्म करना चाहते हैं स्टेट, इसीलिए वो जेल अथॉरिटीज़ के ऊपर ये प्रेशर है बाहर से, ऐसा ये डॉक्टर भी विजिट नहीं करते हैं, कई दिन ब्लड प्रेशर बढ़ते रहते हैं, 200 से ज़्यादा है फिर भी नॉर्मल है ऐसा रिकॉर्ड्स रखते हैं, हम कोई लेटर में इनका तबीयत ऐसा है ऐसा लिखे तो उसको काट के वो कोई इनका हेल्थ के बारे में हमको नहीं लिखना है, इसलिए वो लिखे तो उसको इनसे ये कटवा के फिर साइन करवा के हमको पोस्ट कर रहे, ये कटिंग क्या है ऐसा, फिर 1-2 महीने के बाद हमें पता चला लेटर्स का, जब मैं मिली थी जब मुलाकात में ये बताया, क्योंकि लेटर्स में लिख भी नहीं सकते हैं ऐसा ये सिचुएशन खड़ा कर दिया, अभी इनका ये ठंड में बैक पेन, सीवियर बैक पेन एंड शोल्डर पेन ये सारे हैं, इसके अभी लेटेस्ट इनका वहाँ गाल ब्लैडर में स्टोन्स साइज भी बढ़ गई, ऐसा एक बार वहाँ गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में लेके गया टेस्ट करवाए तो ये 16 ग्राम का टेस्ट से पता चला, इसका डाइजेस्ट नहीं हो रही जेल फूड, अगर जेल फूड क्योंकि गाल ब्लैडर में स्टोन्स के वजह से वो कुछ खा रही तो उल्टी हो रही, बिना खा के बेहोश होते जा रही, वो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे, ये इतनी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रही, ये लेटेस्ट इनकी अभी प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स भी आ गए, इसमें यूरिन पास करना स्टूल पास करना भी मुश्किल हो रही और बहुत पेनफुल हो गई, ऐसा कंडीशंस में साई बाबा एक ही हाथ से वहाँ अंडा सेल में सॉलिटरी में अभी भी वहाँ
जिंदा रहा हुआ, इसीलिए ये डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें होप है, उम्मीद है हमको जुडिशरी इनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाले, ये कन्विक्शन ये रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये फॉल्स केस फॉल्स है, विटनेसेस सारे फॉल्स है, वो तो ट्रायल कोर्ट में साबित किया गया है हमारा डिफेंस लायर से, और ये कन्विक्शन भी फॉल्स हैं, इसीलिए ये सारे अब ये एज में है, लाइफ एंड डेथ की एक पैरेलल लाइन में साई का लाइफ है, इसमें लास्ट लेटर में एक लिखा था, लेटेस्ट मैंने दिसंबर एंडिंग में मिले थी, उसमें साई का वर्ड्स है, आई एम ऑन ए मंथ्स लीज ऑफ लाइफ, जस्टिस और डेथ विच विल विन, ये इन्होंने कहा था, ये एम्बेडेड जजमेंट ए फॉल्स केस, ये इसके लिए हमें लड़ना है, मैं आप इन डेमोक्रेटिक कंट्री में हम हर एक विचारधारा होता है, इसलिए ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक ही डेवलपमेंट नहीं है, ऐसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड चीफ मिनिस्टर ने 1988 से जब ये महाराष्ट्र गढ़चिरौली में महाराष्ट्र स्टेट फॉर्म हो गई, गढ़चिरौली में डेवलपमेंटें नहीं बोल रहे, मतलब विकास का कैसे सूची रखते हैं, विकास का मतलब क्या है, ये वहाँ आदिवासी लोग क्या चाहते हैं, विकास मतलब ज़्यादा कॉरपोरेट कंपनीज को आप लूटने के दे रही वो ही सूची रखते हैं, या वहाँ आदिवासी लोग इतना काली बीमार से काली जो जंगल में होते हुए फीवर से कितने लोग मर रहे, वहाँ कितनी हॉस्पिटल्स आपने सरकारी हॉस्पिटल्स रखा, कितना मेडिकल ट्रीटमेंट आदिवासी लोगों को पहुंचा रही, कितने गवर्नमेंट स्कूल्स है, कितने लोगों के पढ़ाई का मौका दे रही, कितना लोग अभी भी रोड नहीं पैदल इतनी डोली में रख के कहीं कहीं हेल्थ सेंटर्स के लिए आदिवासी लोग जाते रहते हैं, इसी रास्ते में ही मरते रहते हैं, कितनी औरत लोग प्रेग्नेंट लोग इलाज का डिलीवरी करने का भी नहीं है, सीरियस होगा तो वो डोली में मर जा रही, इन्फेंट बच्चों का इतनी मौत हो रही, ये सारे कहाँ, ये कैसे विकास की बात कर रही, ये क्यों, अगर विकास करना चाहते हो तो हॉस्पिटल्स बनाओ, रोड बनाओ, अभी तक रोड किस लिए बनाया, रोड कहाँ तक बनाया, वो जो अपना टैंकर्स और मिलिट्री जाने के लिए ही रोड बनाया, बट एक रोड के पास एक हॉस्पिटल नहीं, एक स्कूल नहीं, अगर कोई बच्चों का स्कूल है तो वो स्कूल में भी मिलिट्री बच्चों का स्कूल पढ़ाते नहीं, बच्चों को भगा के स्कूल्स भी ऑक्यूपाई करके मिलिट्री कैंप्स रख के ये गांव गांव में ये हालत कर दिया, गांव कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये जो दो यंग लेडीज इधर आके बताया वहाँ क्या हो रही, क्योंकि जो आदिवासी अपना हक के लिए लड़ रही, ये जंगल जमीन हमारा है, ये जंगल छोड़ के हम जी नहीं सकते हैं, ये जंगल हमारा है, हमको यहाँ से भगाना नहीं, आप लोग कौन होते हैं, आप आके हमारा जमीन जंगल छीनने के देख रही, ऐसा ये जो लोग पूछ रही इनको मार के ये नक्सलाइट बोल रही, फॉल्स एनकाउंटर्स कर रही और औरत लोगों को रेप कर रही, ये बहुत सारे इस बीच में बहुत आया हुआ आप सब जानते हैं, बट साई बाबा आप भी वही
बताया, इनका वो जो वॉइसलेस पीपल है इनके वॉइस नेशनल एंड इंटरनेशनल लेके गया था साई का, वही नहर जैसे स्टेट वही बड़ा क्राइम बोल रही, बट इस डेमोक्रेटिक कंट्री में ये डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ना ही विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट दिया गया है। अभी राइट टू लिव, इसीलिए जेल में भी इनका जीने का हक है, ये प्रिजनर्स राइट्स है, ये डेमोक्रेटिक राइट्स एंड प्रिजनर्स राइट्स वायलेट करते हुए मेरा हस्बैंड का अभी तबीयत बहुत खतरनाक सिचुएशन में है, ओनली मंथ्स टाइम है, पूरा इंटरनल ऑर्गन्स ख़त्म हो गए क्योंकि वहाँ इलाज नहीं मिलता है, वहाँ गवर्नमेंट नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ये लेके जाते हैं, वो भी एक बड़ा फार्स है, कितना इनको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए 10 ये बुलेट प्रूफ व्हीकल्स आगे पीछे रख के इसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल को, पूरा हॉस्पिटल में 500 लोग घेर लेते हैं, वहाँ पूरा पेशेंट्स की और डॉक्टर्स की एक डरावन पूरा पैदा करते हैं, ये क्या कौन आ रहे, देखे तो व्हीलचेयर में एक ऐसा इंसान आ रहे, सब लोग ऐसा देख के परेशान होते हैं, अरे इनके लिए इतनी ये क्या किया ऐसा, बहुत लास्ट 2015 में हॉस्पिटल में एडमिट किया, उस समय भी वो सीधा यही पूछा, ये लोग ऐसे ही है पुलिस लोग, इनका नक्सल नाम डाल के ये इसमें ऐसा रखा है, ये क्या करेगा, एक कदम भी आगे बढ़ के विदाउट हेल्प नहीं जा पाएगा, इसका ऊपर इतना है ऐसा समाज में सब लोग पूछ रहे, बट स्टेट ये नहीं करते हैं, इसको जान पूछ के ही वही मरवाना चाहते हैं, इसीलिए मारने के लिए ही ये कन्विक्शन ऐसा दिया गया और अभी भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो दिया गया राइट्स को भी इनको मिलने नहीं दे रहे, वो सुविधा सारे सुविधा हर कदम पर ख़त्म कर रहे हैं, इसके खिलाफ आप सब लोग आवाज़ उठाना है क्योंकि ये जजमेंट इतना फाल्स जजमेंट है, ये अभी साई बाबा एंड पांच लोग ही नहीं, बहुत इनोसेंट लोग पूरा देश में ऐसे ही जेल में विदाउट एनी क्राइम एंड फॉल्स केसेस में ऑल जेल में भरा हुआ है, इन सब लोगों का भी रिहाई के लिए लड़ना है, वो जो हम बाहर ये लड़ रही इनका डराने के लिए साई बाबा का एक एग्जाम्पल का दौरान पर ये ले लिया, एक ऐसा कन्विक्शन भी दिया, बट हम सब एक होके हमें ये विनती कर रही ऑल डेमोक्रेटिक्स एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट्स एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस को इस जजमेंट के खिलाफ ये ओनली डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट्स तक ही नहीं है, अभी पूरा इंसान जो भी है हमारा समाज में वो सब एवरीवन इसमें इस लड़ाई में शामिल होना है, क्योंकि ये खतरा अभी ये जेल में फॉल्स केसेस लगी हुई उन लोगों के तक ही रुकी नहीं रहे, ये जजमेंट जल्दी से जल्दी आ गए, हमारा दरवाज़ा में खटखट करने का खटखट करने वाला है, इसीलिए अब सब पूरा सिविल सोसाइटी इसका इस केस का इस जजमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए मैं विनती कर रही, थैंक यू।